maybe आदि मुबारक सिक्कल कंपनी का एक रोमांच ही इससे इतना थोड़ा देखिए क्या रहेगा जब प्रशासन सब कुछ करो करो ये यू संजय कुमार का है स्वागत है सुस्वागत है अरे मेरा का पटना की मार्गदर्शी वाइस चेयरमैन का हूँ देख कर एक राज्य का पोस्ट है अरे मेरा का मिस्टर कौनसी मेंबर्स मिस्टर कौनसी मेंबर्स తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళలకు షాదీ ముబారక్ చిత్రం పంపిణీ కార్యక్రమం విశేషణ ప్రతి ఒక్కరికి మరొక మారు స్వాగతం సుస్వాగతం 79 మందికి ఈ లబ్ధి చేసిన లబ్ధి చేసిన అందరికీ కూడా नमस्ते अंदर की नमस्कार सदर जलसा मदरम जयराम एम एल ए साहब तहसीलदार साहब एक लाख 116 रुपए का जो हुकूमत की तरफ से शादी मुबारक और कल्याण कल्याण लक्ष्मी के तौर पर हिंदुओं को और मुसलमानों को सारे रियासत के अंदर जो जो भी मुस्तैद है उनके लिए शादी मुबारक जो स्कीम लाई गई इससे कई लोग मुस्तफिद हो रहे हैं और होना भी चाहिए। इसके अलावा केसीआर साहब ने जो डिलीवरी के मौके पर जो किट्स वगैरह देते हैं सरकारी दफ्तर की हुकूमतों में ये नहीं था, लेकिन केसीआर साहब आने के बाद खासकर मैनारिस के लिए स्कूल्स का जो इंतजाम किया गया कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहाँ पर हरियाणा स्कूल में लाखों के पैसे खर्च करके पढ़ाए जाते हैं कैम्ब्रिज पे हमें उन बच्चों को खाने के इंतजाम हर चीज ट्रेडिशंस खाना पीना वगैरह तालीम के अखराजात करोड़ों में हुकूमत ने खर्च करके मैनारिस के हस्ते करे। हम लोगों को भी चाहिए कि हम हुकूमत का साथ दें। आप देखिए जनाब एमएलए साहब आने के बाद से जगत्या के जो डेवलपमेंट्स हुए आप देखिए करोड़ों के पैसा खर्च करके रोड डिवाइडर और उसके ऊपर छाप लगाए और रोड बनी हुई और डिग्री कॉलेज से लेकर जाम मस्जिद तक और डामा रोड डाली मिशन भागी रेटा के तौर पर घर घर पर पानी लाया जा रहा है। ये सब हुकूमत की कारस्तानी है। हमको भी चाहिए आगे बढ़ाना और उनकी तारीफ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह और हमारी रियासत दोनों तेलंगाना जो है यानी और डेवलपमेंट होता रहेगा। हमारे पास देखिए साफ सफाई के इंतजाम चेयरपर्सन भी जब से यानी म्यूनसिपालिटी टीआरएस के हाथ में ही जब से बहुत सारे डेवलपमेंट मंच हो रहे हर गली में साफ सफाई का इंतजाम रोड्स वगैरह और लाइटिंग वगैरह ये सब हो रहे हैं और दवाखानों के अंदर आप देखिए जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी सहूलत नहीं है यहाँ पर उतनी सहूलत है। हमारे डॉक्टर साहब आने के बाद एमएलए बनने के बाद डायलिसिस जिसके किडनीज फेल हो जाते हैं उनको हजारों के पैसे खर्च होते हैं या कलिंगर यानी तो हैदराबाद या प्राइवेट दवाखाने में जाकर डायलिसिस करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कोशिश कर यहाँ पर डायलिसिस सेंटर काम किया। बच्चा और बच्चे के लिए दवाखाने का इंशाल्लाह एक साल के अंदर अनवरित और बिल्डिंग भी कंप्लीट होने को जा रही है उसका भी इंतजाम हो गया है। तो हुकूमत की माइनॉरिटीज को और खासकर हिंदू मुसलमान को अपने हाल हाल में कोरोना का जो इफेक्ट हुआ था इसके बावजूद भी यानी क्वारंटाइन रहने के घर में अभी 15 दिन रहने का था, लेकिन वो कौम की सेवा के लिए पब्लिक की सेवा के लिए आपके और हमारे सामने आए और जो शादी मुबारक का जो भी स्कीम है जितने भी मुस्तैद हैं बाद कुछ गलती की वजह से बाद लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं इंशाल्लाह उसकी उसको करेक्ट होने के बाद फिर वो लोगों को भी शादी मुबारक स्कीम के पैसे आएंगे। मुझे जो मौका दिया गया
मैं मेरे साहब का और तमाम भाई बाप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर साहब जो माइनॉरिटी के लिए शादी मुबारक इसलिए भी दें, 1 लाख से भी ज़्यादा जो रकम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मरकज़ी कायदे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की तरक्की के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए और हम लोगों को साथ देना चाहिए। और मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ शिक्षकों के लिए। मुबारक स्कीम के तहत जो 1,16,000 रुपये मिल रहे हैं गरीब आवाम को बहुत मायने रखते हैं। गरीब आवाम इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते। इस ज़माने में शादी करना बहुत मुश्किल का काम है। जो रियासत तेलंगाना में वाहिद सीएम केसीआर साहब काबिले तारीफ है। जो हिंदुस्तान भर में ऐसी स्कीम कहीं नहीं है जो तेलंगाना में है। हम तेलंगाना के आवाम सीएम साहब की लंबी उम्र और सेहत के लिए दुआ करते हैं। साथ ही साथ एमएलए साहब एमएलए संजय अन्ना साहब जो कि कोरोना से मुतासिर होने के बावजूद अपनी दिलचस्पी से इस शादी मुबारक चेक के वास्ते सीएम साहब से नुमाइंदगी करके मंजूरी मुझे बात करने का मौका मिला इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जय तेलंगाना। थैंक यू। जय तेलंगाना। शादी मुबारक चेक पर कंपनी की चेकिंग करते हैं। मैं प्रियतम नायक संजय नगर ऑप्शन नंबर 3 मैं ऊपर मिगता ऑप्शन सब कौनसी कभी मरी चुनाव उदयपुर नमस्कार तेलंगा प्रभुत्म तरह की एंत कष्ट दाखी प्रति दाखिल मैं केसीआर 1,16,000 रूपये इतना वाली अभिनंदन मरी चुनाव प्रति अंदर की शुभाभिन शादी मुबारक स्कीम 2 अक्टूबर 2014 में हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के यहाँ अमल में आई। पहले 51,000 रुपये दिए जाते थे, उसके बाद 75,000 रुपये दिए जा रहे, 75,116 दिए जा रहे। उसके बाद 19 मार्च 2018 से 1,16,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब इस स्कीम रियासत इंडिया में कोई रियासत में नहीं है बल्कि सिर्फ तेलंगाना में ये स्कीम चल रही है। काम शुक्रिया अदा करते हैं और हर साल इस स्कीम के तहत 1,450 करोड़ रुपये मंजूर किए जाते हैं। और इस स्कीम के तहत गरीब लड़कियों की शादी के लिए पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब ये स्कीम के तहत अब शादी आसानी से हो रही है। हम इसका केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। में 59 लड़के और लड़के बच्चे अपनी शादी होने के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को माँ बाप को मदद करने के लिए तेलंगाना सरकार 1,116,000 रुपये का चेक दे रहे। इस एक चेक तकसीम करने के मौके पे यह जलसा ऑर्गेनाइज मैं जो ये चेक आप रिसीव कर रहे हैं सबको मुबारक पेश करता हूँ। थोड़ा ये चेक आने में लेट हुआ, मार्च एंडिंग बजट में ही केसीआर साहब डीसी और माइनॉरिटीज के लिए 500 करोड़ रुपए स्पेशली सैंक्शन करके दिए थे। उसके बाद में आप सबको मालूम कि कोरोना से अपन सब परेशान में है, जितना परेशान में वो तो बैंक में भी अपन गए तो डिपॉजिट भी नहीं ले रहे थे, पैसे भी नहीं ले रहे थे, वो टाइम पे लेट हो रहा था। मेरे तरफ से भी मैं जाके आईओ मैडम के और तहसीलदार साहब के बैठ के ये लेट हो रहा था। उसके बाद 2,500 सिक्का थे पूरे 25 करोड़ रुपए का अपने जयंता के जिले के। एक के बाद
एक होना शुरू हुआ। इसमें अब हफ्ते का मुसलमान का जो शादी मुबारक का है पूरा 165 चक्का, उसमें 59 चक्का काले अपना झिंकझा के गाँव के है, आजू बाजू गाँव का भी एक 29 है और रायका मंडल का भी है। आज थोड़ा लेट हुआ मगर आप सबको मालूम ऐसा स्कीम जैसा एक लड़की को शादी करें तो किसी भी सरकार कहाँ भी 5,000 रुपये देने का सरकार है पूरे मुल्क में नहीं, खाली ये तेलंगाना रियासत में तेलंगाना सरकार केसीआर साहब के सरकारी पहले सरकार आने के बाद ही 51,000 रुपये SC ST और माइनॉरिटीज के दिए। पहले से भी केसीआर साहब बोलता है ये तेलंगाना का तहजीब ये गंगा जमुना का तहजीब ऐसा है, अपन सब मिलजुल के रहना है। तो गरीबों में पहले से भी बोलता है, मीटिंगों में आप सुनेगा पढ़ लिखे जो है आज SC ST से बराबर गरीब लोग खड़े हुए तो माइनॉरिटीज में मुसलमानों में है बोल के पहले 5 साल पहले BC OC को बाद रख के मुसलमानों को और दलित गिरिजनों को साथ में 51,000 रुपये दिए थे, इसके बाद में 75,000 देना और 75,000 से आज बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस गरीबों में OC में भी आए तो भी उसके साथ ही अपने माइनॉरिटीज को कल्याण लक्ष्मी को वैसे ही 1,16,000 रुपये इधर अपने मुसलमान भाइयों के शादियों के लिए भी यही एक तोहफा, एक बड़े भाई वैसा एक दादा वैसा KCR साहब इतना अच्छा स्कीम ला के दे रहे, ये मुल्क में काम ही नहीं। अब तक की बात करके रियाज मामा बहुत डिटेल हो रहे थे कितना स्कीम आ करे करे, अभी हमारा तरानम भाई भी बोल रहे ये तेलंगाना रियाज इतने दिक्कत में पूरे दुनिया दिक्कत में कोरोना से मुल्क में भी बहुत तकलीफा है वैसे ही तेलंगाना में, फिर भी दो चीज़ें नहीं बोले अपने KCR साहब, एक है वेलफेयर बोले तो जैसा शादी मुबारक देना KCR किट देना गरीब लोगों को पेंशन देना BD पेंशन पूरे मुल्क में कहा भी नहीं, कहा नहीं एक तेलंगाना रियासत में BD बनाने वाले को 2,000 रुपये पेंशन दे 2,000 रुपये, कोई औरत को कोई शराबी या छोड़ दिए तो अकेले है तो काम ही नहीं, बेवा है तो है मगर उन्टर महिला बोलते उनको मैं क्या बोलते घर पे ऐसा अपने बहनों को कोई कुछ कुछ नहीं दे रहे मगर ये तेलंगाना सरकार 2,000 रुपये दे रहे ऐसा एक एक बोलते गए तो पहले कोई भी उमराना बोले तो खड़ा नहीं रहना, वो तालीम के लिए पूरे रियासत में इतने बड़े मुल्क में उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश बड़े बड़े वेस्ट बंगाल तमिलनाडु महाराष्ट्र बड़ा बड़ा रियासत है कहाँ भी इतना रेजिडेंशियल स्कूल है उतना रेजिडेंशियल स्कूल तेलंगाना में है तेलंगाना के लिए बच्चों के लड़कियों के लिए बच्चों के लिए एक अच्छा पढ़ाई देते साथ ही साथ में बेहतरीन तरीके से खाना भी खिला रहे इतना स्कूल खोले एक ही दम बोले तो हम पब्लिसिटी करना पड़ा आपके बच्चों को भेजाओ यहाँ अच्छा पढ़ा दिया बोलते अपने बच्चों को भेजाओ सीटा खाली है इतना सीटा गए साल तक वही हाथ तो तालीम के लिए इतना काम करे मैं जैसा बोला हूँ ये सेक्युलर मुल्क है KCR साहब भी हर एक मजहब को बराबर देखते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई बोल रहा सबको बराबर देखते थोड़े लोग इधर साइड रहे दो उधर साइड रहे दो वैसे ही बोलते रहते हमारे को नादान देख रहे हमारे को घुस प्यार देख रहे ये तेलंगाना सरकार सबको बराबर देखता है और मैं बता से बोलता हूँ हम बराबर देखेंगे मैं भी वो सरकार में हूँ मैं जैसा KCR साहब तेलंगाना सरकार कैसा करे मैं भी वैसे ही आप सबसे मिल के रहता हूँ थोड़े लोग वैसे ही बोलते रहते हैं व्हाट्सएप में लगाते रहते हैं स्पीच देते हैं आप लोग उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत बोलने वाले बोलते रहते हैं मगर ये तेलंगाना रियासत हर एक मजहब को बराबर देखते हैं हर एक मजहब को दसरा तो करे भत्का मांगे साड़ी दिए ऐसा माइनॉरिटी स्कूलों में मुसलमान बच्चे ज़्यादा रहते हैं वो लोग पुरातन पढ़ा है तो इसलिए ये सरकार हर एक को बराबर देखता है थोड़ा बातों में मैं अखबारों में मीडिया में सुना था ऐसा देख रहे
वैसा कुछ भी नहीं, थोड़ा लेट तो हुआ चिक्का आने में, उसके वजह है बैंक में बहुत लोग करोना आना, उसके बाद में सर्वे थे हैदराबाद में प्रोडक्ट्स, यहाँ मेरे भी थोड़ा करोना आया था। ये कैनल एस पी चेक्स और सी एम आर एफ हमारे एम्बुलेंस के ही हक है, जैसा हमारा रसीपुर है कि ओ एस सी साहब हैदराबाद में भी ओ एस सी साहब सिग्नेचर करने के बाद ही आते हैं, उन्होंने करना तो अलग बात है, मैं नहीं करता हूँ कलेक्टर साहब कर रहे हो तो, अगर मैं नहीं करता तो गाली कलेक्टर साहब कर सकते हैं, वो भी मैं ऐसा जब करने का नहीं, वो अपने सरकार के इतने बड़े काम 1,01,16 रुपये 1,000 देने वाले नहीं आए थे, शादी में बुलाया तो खाके जाते 116 रुपये गिफ्ट ले लेते, सर 1,116 देने के बाद हमारे को भी थोड़ा रहते हैं, सरकार को अपने तरफ से जाना, हमारा एम्बुलेंस जाना, उसके हाथ से अपने भाई बहनों को देना, उन लोगों को खुश देखना, बल्कि एक जिम्मेदारी हमारा उन पर है, वो जिम्मेदारी का जिम्मेदार है, इसीलिए थोड़ा लेवा गलत मत समझना, एक के सी आर साहब को भी आप सब लोगों की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना अच्छा शादी मुबारक स्कीम लाए, 5 साल पहले ही शुरू करें, अभी करें, आज 59 करोड़ से आज चेस दे देंगे, फिर एक बार नया शादी व्यवस्था बच्चे बच्चों को लड़कियों को मैं शादी का मुबारक हो, शुक्रिया। शेख अजमेर का जागिस्तान का चेयरमैन वोट नंबर 3 का घोषणा कर रहा हूं, जाएंगे हमारे वार्ड नंबर 4 रवि मुमताज बेगम गार वार्ड नंबर 4 मोहम्मद सहरा बेगम मोहम्मद आया वार्ड नंबर 9 कमल वार्ड नंबर 9 मुन्नी वार्ड नंबर रहना क्या नाम है दिक्कत नहीं वार्ड नंबर 9 दिक्कत हाँ सुल्ताना 27 वार्ड